मंगलवार को मनपा के सभी 10 जोन में अनेक इलाकों में कार्रवाई करते हुए दस्तों ने कुल 460 अतिक्रमणों का सफाया किया, 5 ट्रक माल जब्त किया और 41,500 रुपए जुर्माना भी वसूल किया। पाठोड़ा परिसर में लोगों की जमीन पर जबरन कब्जा जमाने वाले भूमाफिया एकनाथ पाटिल के खिलाफ पुलिस ने एक और मामला दर्ज किया है। सूत्रों की माने तो यह अभी शुरुआत है। मनपा परिवहन विभाग ने राज्य परिवहन मंडल के नियमानुसार बस चालकों व कंडक्टरों पर मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध के नियमों की जांच के लिए आकस्मिक निरीक्षण किया। मिलने के बहाने घर में मौसेरी बहन ने महिला के जेवरात चोरी कर लिए। पुलिस ने स्वास्तिक सोसाइटी छापरनगर निवासी वर्षा जितेंद्र घिंगरे की शिकायत पर मामला दर्ज किया। मौदा पुलिस थाना अंतर्गत किशोरी पर बार बार अत्याचार करने वाले दुष्कर्मी को न्यायालय ने 10 वर्ष का कारावास और 35,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। प्रेम विवाह और शोषण करने के बाद पति की नीयत बदल गई। उसने परिजनों के साथ मिलकर पत्नी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मामला पाँचपावली पुलिस थाना अंतर्गत का बताया जा रहा। अश्विन थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले उसकी दादी की मौत हो गई। उस समय दादी की सेवा नहीं कर पाने के कारण वह तनाव में था। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत पालकों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत मंगलवार को की जानी थी, लेकिन राज्य में आधे से अधिक स्कूलों ने पंजीयन ही नहीं कराया। मनपा मुख्यालय में शाम करीब 5 बजे उस समय विकट हालत बन गए जब शिव सुंदर नगर तुरडी खुर्द के नागरिक बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए। वे एम्बुलेंस में अपने साथ एक व्यक्ति का शव लेकर आए थे। सिटी की नाग नदी को पहले चरण में प्रदूषण मुक्त कर पुनर्जीवित करने की योजना है। यह कार्य होने के बाद दूसरे चरण में नदी का सौंदर्यकरण किया जाएगा।